नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने ई कॉमर्स बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी अपने आप से। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या रीसेल कर रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को रजिस्ट्रेशन करवाना, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी प्रोसेस है, ये आप अपने आप से कर सकते हो, आपको किसी सीए या किसी लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कंप्लीट आपको सिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं और कैसे आप अपने आप से ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं कि कितने टाइप के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ई कॉमर्स बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इन दोनों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स में भी, तो सबसे पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन होता है वो आप करते हो। सेकेंड, आप पार्टनरशिप बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में मैं इनडेप्थ बताऊंगा अभी। थर्ड में आप अपनी खुद की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फोर्थ लेवल में आप अपनी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और फिफ्थ लेवल में आप अपनी 1-person कंपनी, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, वहाँ से अपना ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है? देखिए, अगर आप ऑनलाइन अमेज़न पे सेल कर रहे हैं या फिर किसी मार्केट प्लेस सेल में सेल कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न या स्नैपडील पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपका खाली प्रोप्राइटरशिप में, जो कि जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, उसी में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ आप खुद में एक स्टार्टअप बन रहे हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं, आप अपना खुद की मोबाइल ऐप के थ्रू सेल कर रहे हैं, कल के दिन आपको अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपना खुद का एक स्टार्टअप बनाना है, तो आपके लिए शुरू में इनिशियली पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट होगा। और फिर जैसे ही आप ग्रो करेंगे, आप अपने आप को LLP में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर अपने आप को एक पर्सन, एक कंपनी पे कन्वर्ट कर सकते हो। शुरू में रजिस्ट्रेशन के लिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये काफ़ी है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं और आप सपोज आप एक स्टार्टअप बनना चाहते हैं, आप खुद का एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट से बेचना चाहते हैं या खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अपनी ही वेबसाइट पे बेचना चाहते हैं, अमेज़न वगैरह पे, किसी मार्केट प्लेस पे नहीं बेचना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप पार्टनरशिप में अपने आप को रजिस्टर करते हो। पार्टनरशिप में इसलिए रजिस्टर करते हो क्योंकि जो पार्टनरशिप में आपकी जो फॉर्म रजिस्टर होती है, उससे आप स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। देखिए, एट दी एंड अगर आप एक स्टार्टअप बन रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप बनो, मतलब स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसके अंदर रजिस्टर करो। और उसके अंदर आप रजिस्टर करते हो तो आपको DIPPT नंबर मिलता है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होता है, जिससे आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले सकते हो अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो तो। और वो DIPP नंबर आप तभी ले सकते हो जब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट कर लो। आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो शायद वो नहीं होगा। तो ये 5 प्रकार के जो फॉर्म्स हैं, मैं आई होप आप सभी को ये 5 क्लियर हो गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप अपने आप से ही कैसे अपना खुद का बिजनेस रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हो, बिना किसी CA की मदद से, बिना किसी लॉयर की मदद से, सिर्फ इस वीडियो की हेल्प से। अब गूगल पे जाके आपको जस्ट टाइप करना है efiling.com। efiling जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आपको जस्ट उस वेबसाइट पे क्लिक करना है और ये वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिखेगी, efilingportal.in। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आप किसी भी टाइप की फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आपका GST IN, अगर आपका GST नंबर नहीं है तो आप GST रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप अपने हाथ से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके कस्टमर केयर से कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पे मेल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आई हो तो। सबसे पहले मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप लॉग इन कर लीजिए, यहाँ पर अपना नंबर, अपना पासवर्ड डाल के अपने आप को लॉग इन कर लीजिए। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप अपने हाथ से क्या क्या कर सकते हो। तो ये हो गया ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, अपनी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो दोस्तों, ये आपको नहीं करना है। ऑल्दो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना चार्ज होगा ये सब चीज़ करने का। यहाँ साइड में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी आप कंपनीज फर्म्स यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। तो देखिए, अभी आपके काम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनी नहीं है, LLP नहीं है। आपको करना है प्रोप्राइटरशिप, बेसिक प्रोप्राइटरशिप और बेसिक पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। तो अपन चलते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन पे। दोस्तों ये पेज खुल गया बेसिक प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन का, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। अ सेल्फ ओन बिजनेस कैन बी रजिस्टर्ड विथ एनी बिजनेस नेम प्रोवाइडेड इट्स लीगल। मतलब आप कोई भी बिजनेस नेम से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, बस आपका नाम लीगल होना चाहिए, कोई भी इलीगल टर्म नहीं यूज़ होना चाहिए। एंड देयर इज नथिंग एज प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन ऑन पेपर, बट इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस स्ट्रक्चर अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन बिजनेस सेटअप एंड कैटेगरी। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस को आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, और ऑन पेपर प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट ऑल दो आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपने अनरिकॉग्नाइज्ड बिजनेस को भी रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप प्रोसीजर देख सकते हो, एक वीडियो भी देख सकते हो, बट मैं आपको सिंपली बहुत फास्ट तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पे आपको 999 रुपये लगना है अपना प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन दोनों का। तो यहाँ पे जल्दी से आप अपना नाम डाल दो, ठीक है, यहाँ पे अपना पेन नंबर डाल दो, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दो, अपना स्टेट डाल दो कि आप कौन से स्टेट से हो, फिर आपका बिजनेस का नाम डाल दो, आपका जो भी ब्रांड नेम है जिसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो डाल दो, रीज़न ऑफ रजिस्ट्रेशन में अदर्स डाल देना, और फिर उसके बाद ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे आपको पूछता है कि कौन सी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है नीचे 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 नीचे, जी ये रहा 9622 एक्चुअली। यहाँ पे आप ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको ध्यान से याद रखिए। हो सकता है तो इस वीडियो से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको इस यहाँ पे आपको ई कॉमर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। ई कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे चले जाइए। कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आपको अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है, आपको एक OTP आएगा, सिंपली OTP डाल देना और आप लॉगिन कर लोगे इजीली। दोस्तों जैसे ही आप अंदर लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन है, फिर आपको एडिट करना है अपनी प्रोफाइल, फिर आप यहाँ पे इनवॉइसेस एंड पेमेंट डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, और फिर सपोर्ट टिकट है। तो ये जितना भी टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन में इतना इतना टाइम पीरियड आपको लगता ही है। अब ये है आपकी एप्लीकेशन जो आपने अभी अभी भरी है, ठीक है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग है, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, सेलेक्ट रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना डाल देना है, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना पासपोर्ट डाल सकते हैं, पासपोर्ट काफ़ी वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के, बेसिकली ये आपको वेरीफाई करने के लिए। यहाँ से आप अपना GST रजिस्ट्रेशन, GST रिकॉग्निशन भी यहाँ से कर सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन भी इस पोर्टल से आप कर सकते हैं यहाँ से। बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम डायरेक्टली बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें फिल करना है। तो सबसे पहले आप एडिट माई प्रोफाइल पे जाइए। एडिट माई प्रोफाइल पे जाने के बाद ये आपकी प्रोफाइल आ गई, आप यहाँ से सिंपली इसको एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपना DIN नंबर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना एड्रेस डालना, एड्रेस ज़रूरी है, जिस में रेड टिक लगा है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो डालना ही डालना है आपको, ये सारी चीज़ में नो कर दीजिए। फिर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास प्रिपेयर्ड रखना है, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई मुश्किल ना हो, आपको बार बार साइट से जाना ना पड़े, आपको टाइम ना लगे ज़्यादा। तो एंड तक के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लस यहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रूफ डाल सकते हो, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल, जहाँ जहाँ एड्रेस प्रूफ पूछेगा वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है, और दैट्स इट, यहाँ से आपकी हो जाएगी प्रोफाइल कंप्लीट।
अब आप आ जाओ वापस इनकॉर्पोरेशन पे, ठीक है, आप डैशबोर्ड पे वापस आ जाओ। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे पेमेंट का आपका ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे आफ्टर 6 to 7 days, ये आपका जो टाइम पीरियड है 7 दिन से 21 दिन तक के, मतलब बेसिकली 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक के वक्त लग सकता है इसमें। जनरली 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल आ जाएगा, या फिर आपके अकाउंट पे ही आपका जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारे मल्टीपल ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस आप अपने कस्टमर्स को ये शो कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो या अपने ब्रांड पेजेस में डाल सकते हो, अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि यू आर अ रजिस्टर्ड ई कॉमर्स फर्म, यू आर अ रजिस्टर्ड ई कॉमर्स कंपनी। और ऑफकोर्स रजिस्टर्ड होने के बाद आपके जो कस्टमर्स हैं वो डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अपना, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको हमेशा रेडी रखना है अपने पास ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आपका आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बोलूँगा कि अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपना, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अपना पासपोर्ट रख सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस अपना रख सकते हो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने बैठो तो। और इसके बाद आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ऑफकोर्स सबके पास ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ सबके पास होती है। और इसके अलावा आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ अभी जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हो।